बड़ी खबर का रुख करेंगे चौमू से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मगध नगर स्थित एक मकान में यहां पर आग लग गई। भीषण आग में धमाकों के साथ धू धू कर मकान यहां पर जल गया। मकान में रखे सामान में आग लगने से धमाके यहां पर हो रहे हैं। दो दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास भी लगातार जारी। आग और धमाकों से आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल हो गया है। चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर, मगध नगर स्थित एक मकान में आग लग गई। भीषण आग में धमाकों के साथ मकान यहां पर धू धू कर जल रहा है। मकान में रखे सामान में आग लगने से यहां पर धमाके हो रहे हैं। आसपास के लोग भी फिलहाल दहशत में हैं। जिस प्रकार से धमाके लगातार हो रहे हैं, दो दमकल यहां पर मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने के प्रयास यहां पर लगातार जारी हैं। चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर, मगध नगर स्थित एक मकान में यहां पर आग लग गई। भीषण आग में धमाकों के साथ मकान धू धू कर यहां पर जल रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, देख पा रहे हैं किस प्रकार से धुआं निकल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से आग यहां पर लगी होगी, कितनी भीषण आग लगी होगी। दो दमकलें पहुंचे हैं मौके पर, आग को बुझाने के प्रयास लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। जिस तरीके से धमाके यहां पर हो रहे हैं, भय का माहौल आसपास के लोगों में भी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें, चौमू से मकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से धुआं यहां से निकल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण आग यहां पर लगी होगी और जो सामान है उसमें लगातार आग लगने की वजह से धमाके यहां पर हो रहे हैं। आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। आसपास के लोग भी यहां पर भयभीत हैं। भीषण आग में धमाकों के साथ ये मकान भी धू धू कर जल रहा है। दो दमकलें यहां पर मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने के प्रयास भी निरंतर यहां पर किए जा रहे हैं। आसपास देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी वहां मौजूद है और लगातार यही प्रयास कि आग को बुझाया जा सके। आसपास के लोग भी यहां पर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तस्वीरें आप सीधा अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी है और किस प्रकार से धुआं लगातार यहां से निकल रहा है। एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। सीधे चौमू से मगध नगर स्थित एक मकान में यहां पर आग लग गई और भीषण आग में धमाकों के साथ ये मकान धू धू कर जल रहा है। हालांकि दो दमकल की टीम जो है वो यहां पर मौके पर मौजूद है और आग बुझाने के लगातार प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है, किस प्रकार से आग लगी? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा कि ये रिहायशी इलाका है, मगध नगर एक पॉश कॉलोनी है और इस कॉलोनी में स्थित मकान में अचानक आग लगी है। जानकारी आ रही है शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और गैराज में एक नई कार खड़ी थी, मारुति इको कार खड़ी थी जो कि एलपीजी सिलेंडर से गैस से चलने वाली कार है और जैसे ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद तेज धमाके के साथ मकान में आग लग गई और मकान के अंदर जो लोग थे उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिली। मकान के अंदर लोग फंस गए, उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। बगल का जो मकान था, पड़ोसी के मकान थे, उनको छत से रेस्क्यू किया गया, सभी को बचा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बड़ा नुकसान इस आग में हुआ है, आग के चलते कार जलकर राख हो गई है, उसके अलावा मकान को नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ कुछ सामान है वो भी जलकर राख हुआ है। तो वही सूचना के बाद तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जी आशीष, देखिए तस्वीरें जो कि हम टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है भीषण आग लगी होगी, लेकिन किस प्रकार का कितना नुकसान वहां पर हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि लोगों को तो वहां से बचा लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो कार थी, नई कार थी, 15-20 दिन पहले ही खरीदी हुई कार थी, वो कार बिल्कुल जलकर कबाड़ बन चुकी है। तो मान के चलिए कि 5-7 लाख रुपए का नुकसान तो वो है, उसके अलावा जो मकान को नुकसान पहुंचा है वो भी कम नहीं है, अच्छा खासा मकान है उसको नुकसान पहुंचा, उसके अलावा जो मकान में रखा हुआ सामान है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वायरिंग वगैरह वो तमाम चीजें लाखों रुपए का नुकसान इसे मान करके चल सकते हैं। हालांकि गनीमत ये है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जनहानि इस घटना में कोई नहीं हुई और तत्परता दिखाते हुए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जी चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन भीषण आग यहां पर लगी शॉर्ट सर्किट के चलते।